नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर पूरे देश भर में जगह जगह श्री राम भजन, हनुमान चालीसा और इसके अलावा अखंड राम धुन तथा रामायण के पाठ हुए हैं। मंदसौर में भी इस तरह का आयोजन हुआ। यहाँ पर सांसद सुधीर गुप्ता द्वारा अपने घर में बैठ कर भजन पूजन किया गया। पूजा अर्चना के साथ यज्ञ और हवन भी किया गया। इस मौके पर पंडितों, परिवारजनों और भाजपाइयों ने भी यज्ञ में सहभागिता की। इस मौके पर पेप्टिक टाइम से खास बातचीत करते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि वे 90 के दशक के कार सेवक रहे हैं और आज के शुभ अवसर पर उनके मन में सांसद नहीं बल्कि कार सेवक वाले भाव आ रहे हैं और बड़ी खुशी है कि सालों के संघर्ष के बाद ऐसा शुभ अवसर आया है। पूरा देश, पूरी दुनिया राम को मानने वाले, राम की संस्कृति, हमारे समाज जीवन के आदर्शों को मानकर आगे चलने वाले लोगों के मन में उत्साह है, उमंग है और ये उमंग और उत्साह के बीच हम अपने ईश्वर से तल्लीन होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो घड़ी, जिस घड़ी का सबको इंतजार था, आज वहाँ शिलान्यास का अवसर है अयोध्या की पवित्र भूमि पर। हम उसमें प्रत्यक्ष सम्मिलित नहीं हो पाए मगर राम रक्षा स्त्रोत्र का आहुति देकर यहाँ हमने हवन का एक आयोजन किया है ताकि हम सब भक्त लोग अपने राम के साथ तल्लीन हो सकें और एक आदर्श समाज की जो कल्पना प्रभु श्री राम ने की है उसको हम आगे बढ़ा सकें। आज यही दिव्य अवसर सबके लिए है